जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे कि एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को पुश बटन के साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है या होल्ड किया जाता है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इलेक्ट्रिकल डायग्राम की मदद से हम ये सर्किट बनाना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं YouTube चैनल ZSI। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोगों की खैरियत का दुआ गो हूँ। आज हम सीखेंगे सिंपल मगर इम्पोर्टेंट। सिंपल मगर इम्पोर्टेंट कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सर्किट बनाने में तो सिंपल है लेकिन ये इलेक्ट्रिकल की बेस है। तो आइए अब हम सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को पुश बटन के साथ होल्ड कराना या कंट्रोल कराना। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा लाइन है L1। आगे हमने ब्रेकर लगाया, ब्रेकर से हम निकल के NC में आ गए। NC नॉर्मली क्लोज यानी कि ऑफ पुश बटन, यानी कि रेड बटन हमारा। इसको हमने सीरीज में डाला, सीरीज में डाल के आगे NO, NO मतलब ग्रीन, ये हमारा ग्रीन पॉइंट है, ये NO। NO के बिल्कुल पैरेलल में हमने होल्डिंग पॉइंट डाल लिया जो हमारे इधर 13 और 14 नंबर है, ये हमारा होल्डिंग कॉन्टैक्ट हो गया। आगे जाके हमारा A1 और A2 इसी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का क्या नाम है, इसी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का वो हो जाएगा कॉइल A1 और A2। और ये हमारा पावर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। पावर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में ये L1, L2, L3 पावर कनेक्शन है ये हमारे। और ये आ गया हमारा लोड, आ गया लोड हमारा कोई भी चल सकता है, हीटर है, मोटर है, कुछ भी आप ऑटो में लेना चाहिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ, तो वो लोड आप लगा सकते हैं फील्ड में, जैसे आपके ज़रूरत पड़े वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये हमारा प्रैक्टिकल सर्किट कैसे कंप्लीट काम करेगा। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस सर्किट में मैं आपको करंट दे के प्रैक्टिकल ऑन ऑफ भी करके दिखाऊंगा कि आया हमारा सर्किट ओके है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ये ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं कनेक्टर। तो ये कनेक्टर हमारा ब्रेकर से आ रहा है, तो ब्रेकर से आके ये हमारा नॉर्मली क्लोज के, ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, इसके 1 पे लग जाएगा। 1 पे लगा ले, 2 पे लगा ले, कोई मुश्किल नहीं है, तो इसके 1 पे लग जाएगा। ये हमने लगाया, 1 पे लगा दिया, 1 पे लगा के इसको टाइट कर देंगे। और फिर ये हमारा ये नॉर्मली क्लोज के 1 पे लग गया। और फिर हमने नॉर्मली क्लोज से आउट से निकाल के ये हमारा एक वायर हमने और लिया और ये हमने आउट से निकाला, आउट से निकाल के, और फिर ये हमने हमारा जो नॉर्मली पोर्टर पुश बटन है ग्रीन वाला, ये वाला, इसके एक पॉइंट में हम दे देंगे, ये देखें इसके हम 0.3 में देंगे, इनमें ये दे दिया और इसको हमने स्क्रू टाइट कर दिया। उसके बाद हम ये जो नॉर्मली ओपन का ये पॉइंट निकल के कॉइल को लगेगा, ये वाला, ये हमारा नॉर्मली ओपन का ये स्विच निकल के, नॉर्मली ओपन से निकल के ये और हमारा ये जो A1 है इधर आ, A1। उसके बाद हमने देखना दोस्तों कि इसको होल्डिंग कैसे कराना है। अभी होल्डिंग के लिए ये हमारा पॉइंट है ये ऊपर 13 और 14, 13 और 14, 13 वाला वायर हम लगाएंगे। 13 वायर को हमने किधर कनेक्ट करना है ये देखें, हम NC और NO के, या NO के एक पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हैं या NC के, ये दरमियान वाला जो ये वाला जम्पर हमने लगाया, ये वाला जो कनेक्ट किया है, इसके या इस पॉइंट पे लगा सकते हैं या इस पॉइंट में, किसी एक में पॉइंट में भी लगाए तो वो चलेगा। तो अभी हम लगाएंगे
एंड ओके एक पॉइंट में, एनओ के पॉइंट में लग के, तो हमने 13 नंबर के एनओ के ऊपर दे देना। ये हमारा एनओ है, ये 13 ऊपर लिखा हुआ, तो हमें इसके 13 नंबर के ऊपर हम ऐसे करके टाइट कर देंगे इसको। और ये देखें, ये जो हमारा पॉइंट है, ये एनओ यानी कि 14 नंबर, ये वाला पॉइंट आउट निकल के A1 को जाएगा। ये एक हमने मैंने वायर काटा और ये लिया, और ये एनओ से ले लगाएंगे आउट से, ये एनओ के आउट से लगाया और ये हमारा इधर A1 के ऊपर लग जाएगा। ये हमारा A1 है, तो A1 के ऊपर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा होल्डिंग पॉइंट का वायर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देखो कि ये A2 है, A2 पे हमने न्यूट्रल लगाए डायग्राम में, तो ये वाला हमारा ये न्यूट्रल है, तो ये हम A2 के अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम कनेक्ट कर देंगे। ये A2 हो गया। अभी दोस्तों ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, अभी हमने इसके ऊपर लोड भी लगाना है, तो लोड इस वक्त टेबल पे, जारी बात है मैं कोई लाइट वगैरह ही ऑन करूँगा लोड पे, तो आप इससे आउटपुट में मोटर भी चला सकते हैं, हीटर भी चला सकते हैं, और भी बेशुमार चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं लोड पे हम एक लाइट लगाऊंगा, लैंप लगाऊंगा, तो आप ज़रा देखिएगा, ये हमारा आउट पे लगेगा यानी T1 T2 T3 में, तो ये हमारा, क्योंकि हमारा ये सिंगल फेस है, फेस न्यूट्रल है, तो हम फेस न्यूट्रल ही इसके पावर पे कंट्रोल करेंगे। ये एक पॉइंट हमने इधर लगा दिया और एक पॉइंट हमने इधर लगा दिया। अभी हमने इसकी इन पे, इसको पावर को देने के लिए इस पावर पॉइंट पे इन पे लाइन और न्यूट्रल देनी है, तो उसके लिए मैंने ये वायर रखी हुई है रेडी, तो ये हम इस तरफ देंगे लाइन और न्यूट्रल। ये देखें, ये मैं ऐसे करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये न्यूट्रल हो गया और ये लाइन हो गई, तो दोस्तों ये लाइन, ये लाइन हो गई, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गई, और ये इसका कॉइल का न्यूट्रल हो गया और ये हमारा लाइट हो गया। तो अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे कि आया हमारा ये सर्किट ओके हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें पावर लगाना पड़ेगी, तो दोस्तों मैंने पावर ऑन कर दी है, तो अभी जब जैसे ही मैं इस पुश बटन को पुश करूंगा तो हमारा सर्किट ऑन होगा। ये वाला ग्रीन वाला पुश ऑन है ना, हमने पुश किया तो ये ऑन हो गया, और अगर रेड के ऑफ स्विच है तो हमने इसको ऑफ कर दिया, ऑन ऑफ। तो अगर हम, मैं नीचे से डायग्राम हटा के आपको क्लियरली लोड बताता हूँ, तो ये हमारा स्विच हो गया ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।